निवेश की ग्राउंडिंग को लेकर धामी सरकार ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। सभी अधिकारी भी पूरी गंभीरता दिखा रहे हैं। डीजी सूचना बंशी धर तिवारी के अनुसार सभी अधिकारियों को सेक्टर बांटे गए हैं, जिसमें उन्हें पूरा फोकस ग्राउंडिंग पर रखा गया है। उम्मीद है जल्द ज्यादा से ज्यादा निवेश ग्राउंडिंग पर दिखेगा। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पद सप्ताह उसके जो सुपरविजन करने और उसका अनुपालन कैसे हो, इसके लिए कमेटी गठित है और पद सप्ताह स्वयं भी उसका सुपरवाइज करेंगे पूरी चीजों को, उसका जो क्या प्रगति है सभी से बैठ करके उसकी आख्या लेंगे और हर प्रोजेक्ट के पीछे एक एक जैसा कि निवेश मित्र पहले से तैनात है वो नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। अगर कहीं कोई जो प्रक्रियागत जो उसकी स्वीकृति के लिए जो प्रक्रिया बनाई जानी है अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है वो संचरणों को दूर करना और जो निवेशक है उसको सहयोग प्रदान करना उनका काम है। बीते 8 से 9 दिसंबर को देहरादून में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से वापस लौटे स्थानीय विधायक राजकुमार पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन अनुसंधान संस्थान में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य पहाड़ी राज्यों को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और स्वयं सहायता समूह की आय बढ़ाने के लिए हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड भी लॉन्च किया गया। उन्होंने बताया कि इसमें देश विदेश से 1000 से अधिक निवेशक और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस संबंध में इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व में नंबर वन पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में जो काम करने वाले लोग हैं, योग्य लोग हैं, उनकी कमी नहीं है और किसी को भी मौका दे सकते हैं। जिसको हमारा जो संगठन है वो जिसको चाहता है कि ये काम कर सकता है तो हर व्यक्ति को मौका देने का काम पार्टी ने किया है और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं इस समय राजस्थान में 10 दिन तक प्रवास करके आया हूँ। वहाँ पर मुझे झोतवाड़ा सीट पे भेजा गया था जयपुर के नज़दीक में, तो उस सीट का पहले से मुझे मैंने जो अपना आंकलन पार्टी को बताया था वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। उत्तराखंड बीजेपी ने कार्यकर्ताओं से बेहतर समन्वय के लिए प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने समन्वय के लिए प्रदेश अध्यक्ष बलवंत सिंह घोरियाल, विधायक खजान दास, प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार, प्रदेश मंत्री हेमा जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा, प्रदेश मंत्री मीरा रतूड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष नीरू देवी, प्रदेश मंत्री गुरविंदर चंडोक, प्रदेश उपाध्यक्ष शैकेंद्र बिष्ट आदि को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जनपदों से विभिन्न कार्यों एवं कार्यक्रमों के सिलसिले में राजधानी पहुंचते हैं, लिहाजा उनसे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं के निदान करने या संबंधित व्यक्ति तक उसे पहुंचाने के लिए पार्टी लगातार प्रयास करती है। इसी क्रम को अधिक व्यवस्थित और सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न प्रदेश पदाधिकारियों को मुख्यालय में बैठने की जिम्मेदारी दी गई है। और हमारे जो सामान्य कार्यकर्ता देहरादून मुख्यालय में आते हैं और उनके कई कार्य होते हैं, संगठनात्मक कार्य भी होते हैं और सरकार से संदर्भित कार्य भी होते हैं। जहाँ जो जिस संदर्भित जिसका कार्य हो उन कार्यों को पूर्णता मिले, उनमें उनको सहायता मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे एसओसी प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने उन कार्यकर्ताओं की कार्यों के समाधान के लिए प्रदेश के पदाधिकारियों जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके मुख्यालय में ड्यूटी लगाई है। 2 प्रदेश पदाधिकारी एक दिन में प्रदेश कार्यालय में डे ऑफिसर के रूप में रहेंगे और वो प्रदेश भर से आए अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की समस्या को सुनेंगे भी और संदर्भित जहां पर उसका समाधान हो उसके लिए भी समन्वय करेंगे। ऐसा कार्यक्रम हमारे भाजपा प्रदेश कार्यालय के द्वारा सुनिश्चित किया गया है और इसके लिए प्रदेश में जो हमारे पदाधिकारी यहाँ बैठेंगे उनके साथ समन्वय के लिए हमारे कार्यालय सचिव कौस्तवानंद जोशी जी को उसकी समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। भारत सरकार की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का मसूरी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। पिक्चर पैलेस स्थित पार्किंग पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गरोला ने भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की योजनाओं से अवगत कराया और लाभार्थियों को मौके पर पुरस्कृत किया। वहीं इस मौके पर किताब घर में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई 140 करोड़ लोगों का जीवन सहज हो, सरल हो, उनके जीवन में तमाम तरह की जो दुश्वारियाँ हैं दूर हों, उसके लिए तमाम प्रकार की योजनाएँ चलाई जा रही हैं। चाहे उन्हें से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला कनेक्शन का, चाहे गरीब को छत दिलाने के लिए आवास का,
चाहे सोलार पैनल के विस्तार का, रूफ टॉप सोलर पैनल की व्यवस्था का विषय, चाहे रूफ गार्डनिंग का विषय। संकल्प यात्रा के दो कार्यक्रम नगर पालिका मसूरी को मिले थे और इसमें एक ये पिक्चर पैलेस पे था और एक कार्यक्रम हमारा 2 बजे से लाइब्रेरी चौक पे है। इसमें जितने भी भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ जन सामान्य को मिले उसके लिए स्टॉल लगाए गए हैं। करीब 8-10 विभागों द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया, यहाँ पे जानकारी दी गई। पिछले 9.5 वर्ष में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए जो भी काम किए हैं और जो भी ऐसी योजनाएं हमने जनता के हित के लिए दिए हैं, और छोटी उज्ज्वला योजना हो सकती है, वो हमारे जो है ये हो सकता है अपना जो कार्ड हमने बनाया अटल आयुष्मान कार्ड है, यानी अनेकों हैं कि हम दिन में 350 से ऊपर हैं, उनको तो एक तो लाभ लेने वाले लोगों को लाभ मिले। एक तो हमारा विषय ये है कि उन तक भी हमारी पहुँच।